नमस्कार। पटना जिला के बाड़ अनुमंडल में एक बेटे ने खाना खाने के लिए बोलने पर अपनी मां को गोली मार दी। घटना मरांची थाना के कसहा दियारे की है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने से घायल हुई मां ने बेटे को खाने के लिए कई बार आवाज लगाई। इस दौरान बेटा दोस्तों के साथ बातचीत में मशगूल था। मां का आवाज देकर बुलाना उसे नागवार गुजरा और फिर उसने मां को ही गोली मार दी। कसहा दियारा इलाके में हुई इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्र और एएसपी बाड़ अम्बरीश कुमार राहुल ने तत्काल मरांची थाना को प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया। मरांची थाना अध्यक्ष अनिल कुमार और सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि पासवान ने दलबल के साथ आरोपी के घर कसहा दियारा में दबिश दी और लोडेड देशी कट्टा के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि आरोपी की पहचान अंगद कुमार पिता रामबालक यादव सीतापुर कसहा थाना मरांची के रूप में हुई है। गोली मारने की घटना में पुत्र लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया पीड़िता मां मंजू देवी सिर में गोली लगने के कारण जीवन और मौत से संघर्षरत हैं। उन्हें बेगूसराय में भर्ती करवाया गया है। बेगूसराय पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुत्र द्वारा मां को गोली मारे जाने की इस घटना से इलाके के लोग भी सदमे में हैं। MI Plus News से संवाददाता की गौरी शंकर की ब्यूरो रिपोर्ट। बीते रात्रि 21/7/2020 को 12:30 बजे रात्रि को अफवाह सूचना मिला कि कसहा दियारा के सीतापुर गांव जो बेगूसराय का सीमाना लगता है जगह पर रामबालक यादव का बेटा अंगद कुमार अपने ही मां को गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया है। तो इस सूचना को हमने वरीय पदाधिकारी ग्रामीण एसपी साहब एएसपी बाड़ को सूचित करते हुए अपना दल बल के साथ रात्रि में ही प्रस्थान कर गए और प्रस्थान करने के बाद पता चला कि बेगूसराय में इनकी माँ जख्मी हालत में है। मंजू देवी इनकी इलाज के लिए कल्पना नर्सिंग होम बेगूसराय में भर्ती कराया गया है और लड़का जो है कहीं छुप गया है। अपना तंत्र के माध्यम से पता लगाते हुए इसी तरह से इस जगह पर पहुँचे और इसको पता करते करते पहुँचे और उसको गिरफ्तार किए। तो गिरफ्तार पूछताछ करने के बाद अपना नाम पता बताया और फिर बताने के बाद इसके लिए सर्च किए तो बाएं कमर से एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद किया गया। और घटना गोली गोली कहाँ लगी है महिला को? महिला के गोली लगी है सर में बाएं तरफ कनपट्टी के ऊपर में लगा है। किस बात को लेकर विवाद था? विवाद तो कुछ था नहीं कि मम्मी तो खाना खाने के लिए बार बार बोलता था खाना खा लो बेटा खाना खा लो। अरे अपने दोस्त के साथ में कुछ अपना गप सप कर रहा था तो इसको नगवार गुजरा। उसकी माँ जैसे ही बोल करके वापस घर लौट रहे थे पीछे से।